अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस बार घूमने निकले हुए हैं, दोस्त यार हम लोग, और ये हमारे ताइब भाई बैठे हुए हैं। इस बार बताएंगे कहाँ जा रहे हैं ताइब भाई, कहाँ चल रहे हैं घूमने? हम लोग जा रहे हैं भोरी बाईपास। भोरी बाईपास तो नवेद फार्म पर जा रहे हैं। नवेद फार्म पे जा रहे हैं हमारे आदमी है सुपर स्टार। सलाम ये हमारे हर्षदमी है अल्लाह माशाल्लाह ढाबों के मालिक। कितने दो तीन कहाँ जा रहे हैं आप लोग घूमने? सब बस ऐसे ही निकले हैं लोकल में। क्या हुआ फजल भाई जी? ये हमारे फजल भाई हैं माशाल्लाह, हमारे बड़े हैं और हमारे जो है सरपरस्त हैं। हर चीज़ का मशवरा इनसे पूछ के करा जाता है, जिस चीज़ का ये मना कर देते हैं वो नहीं होती दोबारा। एक बार जिसका पूछ लेते हैं वो मना कर देते हैं वो दोबारा नहीं करते। हमारा फजल भाई हमारे बड़े हैं और माशाल्लाह हम लोग कुछ मना ही नहीं करते। हाँ हम लोग जो है इस बार घूमने फिरने निकले हुए हैं। ये देखो आप एयरपोर्ट रोड पर है और हम लोग बहुत दूर निकले आए हैं हाईवे पे। बड़े दिनों बाद घूमने निकले हम लोग और लद्दाख के ट्रिप के बाद ये हमारा दूसरा ट्रिप बना है जो बाहर के लिए हम लोग जा रहे हैं। और हमारे साथ आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। देखो आप एयरपोर्ट रोड है और ज़िंदगी के मज़े लिए जा रहे हैं हम लोग। आज छुट्टी मौसम बहुत सुहाना है देखो आप। और आज छुट्टी का दिन भी है, 3 तारीख है। और आज 3 तारीख के दिन जो है आपकी गैस निकली थी भोपाल में, जो है बड़े बहुत ख़राब हादसा हुआ था उसके बारे में हमारे फजल भाई बताएंगे 3 तारीख को क्या हुआ था गैस त्रासदी के बारे में। जी फजल भाई फजल भाई कह रहे हैं हम बहुत छोटे से थे, हमें खुद नहीं पता क्या हुआ। हम तो खुद अपने अब्बा अम्मा के साथ हाथ पकड़ के भाग रहे थे, वो उधर भाग रहा है हम इधर भाग रहा है। वो बता रहे हैं कि हम उधर बेरस ही निकल गए पैदल पैदल। वो पापा जो है वहाँ निकल गए मंडी दीप। ये देखो आप ये मिलिट्री कैंट है और मिलिट्री कैंट में बहुत सारी मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। एयरपोर्ट आने वाला है राजकीय विमानतल स्टेट हैंगर। ये देखो आप कितना प्यारा मंजर लग रहा है, यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हम लोग एयरपोर्ट वाले रोड पे हैं और ताइफ भाई के फार्म हाउस जा रहे हैं इस वक्त हम, नवेद फार्म। ये पेंटिंग देखो आप कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है दीवार पे। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है यहाँ पर बड़े बड़े कारनामे किए गए हैं, बड़े बड़े दिग्गजों ने उनको जो है यहाँ उकारा गया है। ये देखो आप और एक बोर्ड पे लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली। तो मैं जो है इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपसे। और खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखिए बीच में एकदम कुछ आ गया हम लोग के सामने और बता रहा है मछली का बॉक्स पड़ा हुआ था। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है और लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग जा रहे हैं दोस्तों के साथ। जो देख रहे हैं इस वक्त जो हिरस रहे हैं वो भी निकल सकते हैं बाहर घूमने फिरने कुछ पैसा वगैरह खर्चा करके। हम लोगों ने भी लाखों करोड़ों रुपये खर्च करा है निकलने के लिए। हाईवे का मज़ा ही अलग होता है गाड़ी चलाने का और घूमने का। ये देखो आप ब्यावरा लिखा हुआ है, रोड बहुत खूबसूरत है भोपाल के। ये देखिए आप होली फैमिली लिखा हुआ है मेरे सीधे हाथ पे और ये उल्टे हाथ पे, यहाँ से होली फैमिली के सामने से लेना है। ये मैंने उल्टे हाथ पे गाड़ी डाल दी है, ये ब्रिज सामने रोड नहीं चढ़ना, लेफ्ट हैंड पे डाल दी है गाड़ी होली फैमिली के सामने से। ये जो मस्जिद वाला रोड है, ये जो मस्जिद पड़ रही है, आप लोग चाहें तो आप लोग आसानी से आ सकते हैं, ये मस्जिद वाला रोड है। और ये रोड से हम लोग ब्रिज से नीचे उतर गए, सीधे जाएंगे तो ब्यावरा पड़ेगा और लेफ्ट पे जाएंगे तो भोरी पड़ेगा और सीधे हाथ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका विधि ढावा पड़ेगा। अब यहाँ से जो है हमें लेफ्ट मुड़ना है, इंडिकेटर दे दूँ मैं। ये देखिए मैंने इंडिकेटर दे दिया और ये मैंने ये ब्रिज इधर है सीधे हाथ पे और ये उल्टे हाथ पे अपन ने गाड़ी ले ली है।
ये लिखा हुआ है यहाँ पर, भोपाल बाईपास से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। देखो नीचे दबा के ले लेना वहाँ के पास से। ये देखो आप, बहुत ही अल्टीमेट। और यहाँ पर जो है लॉकडाउन में हम लोग खूब खाना बांटने आए थे। बिल्कुल ये देखिए, ये टोल पड़ गया है और टोल पे ये कह रहा है ताइब भाई के फुल नीचे से निकालना है गाड़ी। ये हम लोग जो है पूरे टोल छोड़ के ये फुल नीचे से ले रहे हैं। ये इन्होंने टोल खोल दिया, मैं देख के यहाँ से आपको आना है। ये बहुत खूबसूरत वीडियो बन गया है, ये देख। ये देखो, ये बोर्ड लिखा हुआ आ गया, जयपुर 179 लिखा हुआ है। ये देखिए सीधे अब उल्टे हाथ पे जो है पेट्रोल टैंक आ गया है, भारत पेट्रोल टैंक लिखा हुआ है। यहाँ से जो है आप उल्टे हाथ पे पेट्रोल टैंक है और यहीं से राइट लेना है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर निकालना पड़ेगा आपको टोल के बाद। सीहोर 27 किलोमीटर लिखा हुआ है यहीं से। अरे इधर इधर राइट राइट। ये देखो यहाँ से राइट ले लिया, सीहोर 27 किलोमीटर लिखा था। और सामने ये बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है, रात को चमकता हुआ दिख जाएगा आपको। ये रोड जो है और बहुत गहरा रोड है, ये देखो आप। यहाँ जो है आप लोग रात को यहाँ से जो भी आए भाई आराम से धीरे से गाड़ी उतारे, क्योंकि टकरा रही है वो गाड़ी। ये बाजू में कॉलेज बना हुआ है, उसके पास से अंदर आना है। और यहाँ से देखिए लेफ्ट लेना है आपको, इस रोड पे मत जाना, लेफ्ट ले लीजिएगा। और ये फॉर्चून लिखा हुआ, फॉर्चून स्मार्ट सिटी पूरी खाली पड़ी हुई है। और फॉर्चून सिटी के बिल्कुल साइड में लगा हुआ पूरा हिसाब किताब है। ये वाला जो है फार्म लिया है इन्होंने, ये फार्म हाउस है बिल्कुल बाजू में, बहुत आसान है, आप लोग भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग आ गए इस वक्त फार्म हाउस पे। और ये फार्म हाउस मेरे पीछे है, ये गाड़ी से हम लोग आए हैं। और ये पीछे पहाड़ लगा हुआ देखो आप। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं फार्म हाउस पे। ये देखो आप, गाड़ी पूरी भरी हुई है माल से, टकटक हो रही है इस वक्त। और ये दरवाज़ा खोल दिया गया है। और ये देखो आप, कितने ज़बरदस्त मुर्गे बैठे हुए हैं यहाँ पर, देसी मुर्गे भी हैं और जंगली मुर्गे भी हैं। बहुत बड़ा फार्म हाउस है, नवेद फार्म हाउस नाम है इसका। ये देखो आप, ये ताइब भाई मौजूद हैं यहाँ। जी ताई भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कुछ भी नहीं भाई, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया बहुत बहुत। फजल भाई भी हैं इस वक्त। और फजल भाई, हम लोग यहाँ पर जो है घूमने आए हैं, इंतजाम देखने आए हैं, घूमने आए हम लोग। जी अरशद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये फार्म हाउस पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल रहा है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे ऑस्ट्रेलियन कॉक हैं और कड़कनाथ भी हैं। और ये क्या क्या बोलते हैं ना, बटेर तीतर, वो देखिए, वो दिखाइए रमेश भाई ज़रा, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और फार्म हाउस भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का। ये कल आपको डिनर में यही सब मिलेंगे। बस बस बस, यही चाह रहे थे, लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है। ये देखो आप, ये देखिए आप, कितना खूबसूरत मंजर है। ये काले मुर्गे मुर्गी हैं, कबूतर भी, कबूतर अमरूद भी लग रहा है, अमरूद भी बताओ।
अमरूद हैं, लेकिन कल आप लोगों के लिए जो इंतजाम है वो देसी मुर्गों का रखा गया है। ये देखो आप लोग दिन में आए कल, ओ ये काफी अच्छा अमरूद लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कच्चा है। अमरूद मैंने तोड़ लिया है, अब मैं इसको खाने वाला हूँ। ये देखो आप, आ क्या मिठास है इसकी। तोड़ के दिखाइए फजल भाई, आप कश्मीर में जैसे सेब तोड़े थे आपने। आइए, ये गिलहरी भी है यहाँ पे, कबूतर बाहर के दिख रहे हैं, तो बाहर के कबूतर है ये, वो है दिल्ली सिक्स को जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको। देखो इसमें हिरन भी है, हम लोग को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। फार्म हाउस पे हम लोग आए हुए हैं, और ज़िंदगी को अगर जीना है तो भाई घूमना फिरना ज़रूरी है। तो आप लोग भी आएँ, घूमें फिरें, इन्जॉय करें, वीकेंड पे हमेशा घूमने फिरने जाया करें और खूब इन्जॉय करा करें। अर्शद ये हम लोग यहाँ पे फुल देसी मजे लेते हुए, वो मुर्गा कब तक रोस्ट होके आ रहा है आपका काला देसी? आधा पौन घंटा लगेगा, आधा पौन घंटे में आ जाएगा। काफी अच्छा फॉर्म है और इस टाइम का मौसम भी बहुत अच्छा है, एक नंबर यूं नहीं आया, बस आ रही है, वेदर काफी अच्छा है, यूं नहीं आया मतलब महरूम रह गया, इतने अच्छे मतलब मजा आ रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। कल इससे ज्यादा मजा आने वाला है, हम लोगों को उसी की तैयारी के लिए आए हम लोग। इजाजत है, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। अभी का इंतजाम हो गया कि ना, पक रहा है खाना, पक रहा है। माशाल्लाह पक्की से पली नहीं, पता कोई आता नहीं है, देखने वाले नहीं होता। अरे रमेश जी तू तो बनाओ लव भाई, वो झूले में भी चले आने लवबर्ड्स। अच्छा लवबर्ड्स भी हैं, इधर देखो। वाह यार, बहुत ही खूबसूरत आसपास पहाड़ हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत फार्म हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोग भी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। नवेद फार्म से और एयरपोर्ट रोड पे है।